मुश्ताक अहमद मलिक साहब, मोहम्मद अशरफ ऋषि साहब, बहन नाहिदा कमर, बिलाल साहब और आज मौसम खजा के समय में यहाँ इकट्ठे हुए मेरे भाई और बहनों, मेरे से पहले आपने हमारे दोनों कैंडिडेट्स को सुना, जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा साहब को सुना। मेरा आपसे निवेदन है इन दोनों प्रत्याशियों को जिताकर भेजिए। दोनों युवा हैं, दोनों के मन में यहां कुछ करने की इच्छा है और कर वही सकता है जिसके पीछे सरकार है, जिसके पीछे मोदी है। और प्रधानमंत्री मोदी हमारे दोनों प्रत्याशियों के साथ है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करने आया हूं। देखिए मोदी साहब आए, जब भी आप पर कोई बात बनी तो आपके साथ कोई खड़ा हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े। चाहे यहां बाढ़ आई थी, मेरे को याद है पूरा श्रीनगर ये क्षेत्र डूब गया था, मोदी साहब खुद आए और आप सबके लिए वहां खड़े भी हुए। वक्त आया, आपको याद होगा कोरोना की महामारी आई, हर आदमी को फ्री टीका लगवाया, आपको भी लगाना फ्री टीका, मोदी जी ने लगाया। राशन आ रहा है, जिनको राशन आ रहा है रात खड़ा करो, फ्री राशन, फ्री राशन। अगले 5 साल ये राशन आता रहेगा, मोदी जी ने परमिट काट दिया। आपके सबका मेडिकल इंश्योरेंस हुआ है, गोल्डन कार्ड मिला है सभी को। अब ये गोल्डन कार्ड जब ये हमारे दोनों कैंडिडेट जीतेंगे, ये गोल्डन कार्ड हो जाएगा 7 लाख रुपए का। और मेरे बुजुर्ग बेटे इनके लिए 5 लाख अलग से, बुजुर्गों का 5 लाख अलग से, और बुजुर्ग यानी जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर हुई। और इसके अलावा चाहे वो बुजुर्ग मेरे भाई हो, मेरी माताएं हो, बहनें हो, इन सबको पेंशन मिलेगी। अरे मेरे ध्यान से सुनना, अब ये पेंशन मिलेगी, पहले मिलती थी 1000 रुपया महीना, अब मिलेगी 36000 रुपया सालाना। आप कैंडिडेट को जिताकर भेजिए, जो मेरी बहनें बैठी हैं, इन सभी बहनों को 2 गैस हर महीने फ्री मिलेंगे, तो हर साल फ्री मिलेंगे, हर साल 2 रुपए। और इसके अलावा पेंशन राशन के अलावा हर घर पर बड़ी बेटी को, बहू को 18000 रुपया, ध्यान से सुनना, 18000 रुपया आप सबको अलग से मिलेगा। नसीर साहब और हमारे कैंडिडेट, वो कहते हैं जनता का बंदा हूं, जनता में बैठूंगा। मेरी आपसे निवेदन है, आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान मिले, जिनको मकान मिले, जिनके गांव में मकान मिले रात खड़ा करो, गांव में मकान मिले। अभी 3 करोड़ नए मकान देने हैं, 3 करोड़। नसीर साहब और खान साहब, मैं दोनों से विनती करूंगा, लिस्टें बनाइए, हर गरीब को अपना मकान देना है, देना है, देना है। और नसीर साहब और खान साहब दोनों से मैं निवेदन करूंगा, आपके एरिए में जिन गरीबों के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो आप दोनों कैंडिडेट से मैं कहूंगा उनकी भी लिस्टें बनाएं, 5-5 मरले जमीन उनको सरकार हमारी बनते ही देगी। देखिए आपके घर पे रसोई गैस पहुंचा, हाँ बोलिए, पहुंचा रसोई गैस पहुंचा, आपके घर पे जल जीवन मिशन का
पानी का कनेक्शन पहुंचा, घर पे टॉयलेट बना, अब गराई घर फ्री मिला और मिलेगा। इसके अलावा आपके घर के ऊपर हर घर पर 300 यूनिट अब मिलेगा, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट सूर्य मित्रा के माध्यम से। देखिए, घर मिला, बाथरूम मिला, रसोई गैस मिला, नया घर मिलेगा। इसके अलावा राशन फ्री, राशन के अलावा पेंशन फ्री, बुढ़ापा पेंशन, मेडिकल का खर्चा, ये सब एक ही आदमी दे सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। जो लोग आपके पास वोट मांग रहे आ रहे हैं, चाहे वो हिलाल लोन हो, उनसे पूछिए, आपकी तीन पीढ़ियां हो गई जनता को लूटते लूटते, तीन पीढ़ियों से जनता को लूट रहे हैं। अब अकबर लोन लूटते रहे, अब ये हिलाल लोन लूटने आ रहे हैं। क्या लूटना है कि बचना है? आपके यहां कैंडिडेट है यासर ऋषि साहब, अरे भैया अलगाववाद की बात नहीं चलेगी, भाई भाई को लड़ाने की बात नहीं चलेगी, ये यासर ऋषि हो या हिलाल लोन, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उस्मान मजीद और निजामुद्दीन साहब चलते हैं तो सांसें झुक जाती हैं। अरे नौजवानों को आने दीजिए, नौजवानों को आने दीजिए, अब बहुत हो गया ड्रामेबाजी। अब ये ड्रामेबाजी, कभी आप पीडीपी में हैं, कभी आप कांग्रेस में हैं, कभी आप एनसी में हैं, कभी आप पैदल हैं, कभी आप स्कूटर पे हैं, कभी कुकर पर हैं, कभी हाथ पर हैं, ये कैसा निजाम है? जो आदमी अपनी पार्टी नहीं पकड़ पाता, एक पार्टी में नहीं रह पाता, वो व्यक्ति जनता का भला क्या करेगा? और देखिए, नजीर साहब और खान साहब दोनों बैठे, दे सकता है तो मोदी दे सकता है, और मोदी के कैंडिडेट ये दोनों हैं। मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा, 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस हमने 7 लाख किया है, लेकिन नौजवानों के लिए भी घोषणा की है, 5 लाख नए रोजगार नौकरियां। मैं तो एनसी बना गए, चीनी दोनों हाथ में जाके एनसी बना गए, चीनी भी बना गए, बना गए हिंदुस्तान, बना गए हाथ में जाके, हाथ में जाके हिलाल बना गए, चीनी भी बना गए, सुरेश बना गए, कांग्रेस बना गए, चीनी भी बना गए, बीजेपी बना गए, बीजेपी बना गए, हाथ में जाके बीजेपी बना गए, बीजेपी बना गए। मैं आपसे इतनी, जम्मू कश्मीर को टूरिज्म हब मोदी जी ने बनाया। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।